ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, घुसपैठ तस्करी पर नियंत्रण और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश में नागरिक तभी सुरक्षित हैं जब देश की सीमा का ढांचा और देश की सैन्य व्यवस्था तत्पर है और मजबूत है। देखा है हमने कि भारत में जहां एक तरफ हमारी सशस्त्र सेना और हमारी जो सैन्य संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, दूसरी तरफ हमारी सीमा का ढांचा भी उसी तरह से मजबूत है, जिससे न सिर्फ हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है बल्कि जो हमारे बाहरी सुरक्षा है, सीमा के पार की सुरक्षा है, वो भी सुरक्षित होती है। आज हम विशेष तौर पर सीमा की सुरक्षा में और देश की सुरक्षा में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका पर बात करने वाले हैं और आज कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़े हैं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी में। धन्यवाद। सबसे पहले एक मौलिक सवाल से ही हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि वर्तमान समय में या हमेशा ही सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी क्या है, क्या इसकी अहम भूमिका है देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में। सीमा सुरक्षा बल एक भारत का सायुध बल है, आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन जिसको बोलते हैं। इसकी प्रधान जिम्मेदारी भारत पाक और भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा है। इसका गठन हुआ था 1965 में, तब पाकिस्तान एक ही था, बांग्लादेश तब तक नहीं बना था, तो भारत पाक सीमा की सुरक्षा करना इसका दायित्व था। 1971 में लड़ाई के बाद जब बांग्लादेश बना, चूंकि बांग्लादेश बॉर्डर पे पहले से बीएसएफ मौजूद थी ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर को देखने के लिए, तो बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करती रही और अभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं पर बीएसएफ तैनात है और इन सीमाओं की सुरक्षा और इन सीमाओं के थ्रू ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स ना हो, कॉन्ट्राबैंड्स का आना जाना ना हो, उसका रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ 2009 से नक्सल विरोधी अभियानों में भी बीएसएफ को उपयोग किया जा रहा है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बीएसएफ की खासी नफरी हमने लगाई हुई है और हम वहां नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। अभी आपने पिछले महीने सुना होगा कि एक बड़ा अभियान हुआ था जिसमें 29 नक्सल मारे गए थे, तो वो एक अभी लेटेस्ट एक सक्सेस स्टोरी है बीएसएफ की। बिल्कुल, आपने नक्सल से संघर्ष की बात की, आपने जैसा कि जिक्र किया ट्रांस बॉर्डर चुनौतियों का या क्राइम का, उसमें आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अब देखा जा रहा है कि जो अत्याधुनिक तकनीक है जो चुनौती पेश करते हैं सीमा सुरक्षा को लेकर, वो अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते रहे हैं और ऐसी खबरें आती रही हैं कि ड्रोन से प्रतिबंधित वस्तुएं भेजना या ड्रोन का इस्तेमाल करना, तो इन चुनौतियों से पार पाने के लिए या ड्रोन जैसी जो अत्याधुनिक तकनीक है उस पर निगरानी रखने के लिए कैसे सीमा सुरक्षा बल अपनी भूमिका निभा रहा है और कैसे प्रभावी ढंग से इनका मुकाबला करने में सक्षम है। ये जो सिलसिला है पिछले 2-3 साल से ज्यादा हुआ है और इसकी अगर देखा जाए तो इंसिडेंस ज्यादा पंजाब, थोड़ी बहुत राजस्थान और जम्मू में। इस ड्रोन के जरिए अधिकतर हेरोइन आती है पाकिस्तान से या फिर कभी हथियार और एम्युनिशन आता है। तो पहले तो हम सिर्फ राइफल से गिरा देते थे, अभी भी राइफल से कभी कभी गिरा पाते हैं, लेकिन कभी उसकी हाइट ज्यादा होती है या बहुत छोटा होता है तो वो राइफल से संभव नहीं हो पाता गिराना। उसके लिए हमने मशीन्स लगाई हुई हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जो ड्रोन को देखने के बाद उसको उड़ने नहीं देते हैं और निस्ते नाबूद कर देते हैं और उसका जो पेलोड है हम जब्त कर लेते हैं और वो पुलिस को दे देते हैं। और इसमें नागरिकों की हमको बहुत मदद मिलती है क्योंकि कई बार जो ड्रोन से गिरा है पैकेट वो नजर नहीं आता, या तो किसी के खेत में फसल के बीच में दब गया या कहीं झाड़ियों में, तो वो लोगों को जब भी मिलता है तो वो हमें तुरंत सूचना देते हैं और बीएसएफ उस पर कार्रवाई करती है। तो ये जो अत्याधुनिक तकनीकें हैं, जब जो राष्ट्र के विरोध में काम करने वाले एलिमेंट्स हैं या सीमा पार से जो चुनौती पेश करने वाले तत्व हैं वो जब इन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में इस बढ़ते प्रयोग को लेकर सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ तकनीकी खतरों को रोकने के लिए बीएसएफ की कोई अहम तकनीकी प्रगति है, कोई कार्यक्रम है जिससे कि मुस्तैदी से इसके खिलाफ कुछ किया जा सके। हम एडीएस लगाते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, वो तकनीकी पे आधारित हैं और काफी टेक्नोलॉजी उसमें लगती है और रेडार्स होते हैं जो देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है ड्रोन और उसी दिशा में एडीएस को मोड़ देते हैं ताकि उस पर कार्रवाई हो पाए। उसके अलावा हमारे पास और भी तकनीकें हैं, कुछ कैमरेज हैं, कुछ एचएसटीआईज हैं, कुछ डिवाइसेज हैं जो लोगों के आने जाने को भी देखती हैं, क्योंकि हमको तकनीक का प्रयोग तो वैसे भी करना पड़ता है क्योंकि हर जगह फेंस नहीं होती है,
कहीं नदी नाले होते हैं, गॉर्ज होते हैं, ऐसे फीचर्स होते हैं जिन पे फेंस नहीं लगाई जा सकती है, तो उनको हम तकनीक की मदद से देखते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं। जी, आपने मादक पदार्थों की तस्करी की बात कही, तो ऐसे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से सीमा सुरक्षा बल को दूसरी एजेंसियों का समर्थन मिलता है, खासतौर पर जो खुफिया एजेंसीज हैं या फिर जो हमारे स्टेट हैं, राज्य पुलिस हैं, उनके साथ किस तरह से समन्वय स्थापित करके जो तस्करी है, आपने हेरोइन की तस्करी का जिक्र किया, तो इस बड़े मामलों को सुलझाया जाता है जिससे कि देश में कम से कम किया जा सके इस तरह की गतिविधि को। बीएसएफ एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार नहीं है, तो जब हम कोई भी इस टाइप का क्रिमिनल मैटर पकड़ते हैं तो हमें या तो पुलिस को देना होता है या विशिष्ट एजेंसियां हैं, जैसे ड्रग्स के बारे में कहें तो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो जब हम हीरोइन जब्त करते हैं तो अगर एनसीबी का ऑफिस है पास में तो उसको सुपुर्द करते हैं और वो फिर उस पर आगे की कार्रवाई करते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और लोगों को पकड़ना वो सब काम होता है, उसमें हम उनकी मदद जरूर करते हैं, या फिर पुलिस को देते हैं तो पुलिस उसमें केस रजिस्टर करके फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाती है, तो दोनों से ही हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। ऐसे ही कुछ चीजें कस्टम्स की होती हैं, जैसे बंगाल में जो बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू आता है सामान, उसमें सबसे ज्यादा गोल्ड की बरामदगी होती है। जी, अभी आपको मैं बताऊं, पिछले साल 2023 में हमने करीब 300 किलोग्राम सोना पकड़ा है और अभी भी इस साल में भी कम से कम 80 किलोग्राम से ज्यादा सोना हम लोगों ने जब्त किया है बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू आने वाला। जी, तो इस सब को भी हम जब पकड़ते हैं तो कस्टम्स विभाग को सपोर्ट करते हैं, वो इसका इन्वेस्टिगेशन और आगे की कार्रवाई करते हैं। बीएसएफ के कुछ ऑपरेशंस का भी हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमारी पूरी सैन्य शक्ति तत्पर होती है तो हमारी जो सुरक्षा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन अलर्ट को लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्द हवा का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, तो इस तरह के जो अभ्यास हैं वो किस तरह से खतरों से निपटने के लिए हमें तैयार रहने के लिए एक तरह से सहायता करते हैं, और इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो बीएसएफ की जो पूरी तत्परता है उसको किस तरह से बढ़ा रहे हैं। देखिए, कोई भी ऑपरेशन होता है उसमें दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन और दूसरी होती है एक्चुअल एग्जीक्यूशन, उस ऑपरेशन का कार्यान्वयन। तो जब हम प्लान करते हैं और जब फील्ड में जाते हैं उसमें काफी फर्क आ जाता है, तो हमने कागज पर तो प्लान किया यहां से यहां तक, एक जगह से दूसरी जगह तक लेट से 5 मिनट में पहुंचेंगे, लेकिन उस दिन अचानक बारिश हो गई और कीचड़ हो गई तो गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, तो किसी और मार्ग से या किसी और जरिए से जाना पड़ेगा, तो वहीं ऑपरेशन में एक वेरिएशन आ गया, या गाड़ी उतना लोड नहीं ले जा पा रही और धीरे चल पा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो प्लानिंग में नहीं समझ में आती हैं, एग्जीक्यूशन में समझ में आती हैं, तो इसलिए समय समय पर ऐसे ऑपरेशन होना, और जब ऑपरेशन नहीं होते तो हम एक्सरसाइजेस करते हैं। जी, ये एक्सरसाइजेस भी इसीलिए की जाती हैं ताकि ग्राउंड में रियलिटी में कोई प्लान कैसा काम करेगा उसकी जानकारी हो जाए। जी, और उसके फीडबैक के अनुसार हम अपने अगले बार के प्लान को मॉडिफाई करते हैं ताकि और सुचारू रूप से और ऑप्टिमल तरीके से हम परफॉर्म कर सके। सुरक्षा और चुनौतियों से सामना करने के लिए हमारा जो सीमा सुरक्षा का ढांचा है वो भी मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग में हमने देखा कि सड़क सुरंग जैसी परियोजनाओं का शुरू किया जाना, जिससे कि जो स्थानीय स्तर पर सुरक्षा है उसको दोनों के लिए, जो मौसम में हमारे सामने एक तरह से बाधाएं आती थी उसको दूर किया जा सके, संपर्क सुनिश्चित किया जा सके, तो ऐसे महत्वपूर्ण जो ढांचे हैं वो कैसे बीएसएफ की परिचालन की जो दक्षता है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। कोई भी फोर्स तभी कारगर हो सकती है जब वो मौके पर टाइम पहुंच सके, या कोई ऐसा जरिया हो ताकि जहां पे इंसिडेंट होना है वहां पहले से हम कोई तंत्र लगाएं ताकि वो ना हो पाए। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए टनल्स और रोड्स का होना अनिवार्य है। पहले हमारे देश में जो फिलॉसफी थी वो ये था कि बॉर्डर एरियाज में हम लोग ज्यादा रोड नहीं बनाते थे। ये भारत मजबूत है इकोनॉमिकली भी और सैन्य दृष्टि से भी, तो हम ये अभी एफर्ट कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, और इससे हमारे फोर्सेस को मूवमेंट में और जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उनको भी मूवमेंट करना होता है, उनको भी रोड्स की आवश्यकता होती है। जी, तो ये दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है और ये हमारे देश की डिफेंस को भी स्ट्रांग करेगा और इकोनॉमी को भी स्ट्रांग करेगा, तो ये बहुत अच्छा एक पहल है और हमें इसका बहुत फायदा है। जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं नितिन जी, उन क्षेत्रों में हम रणनीतिक महत्व को तो देखते हैं, किस तरह से स्ट्रेटेजिक एक उसका महत्व है, लेकिन जो वहां के रहने वाले निवासी हैं, स्थानीय समुदाय है, उनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो सीमा सुरक्षा बल स्थानीय स्तर पर चुनौतियों से निपटने के लिए जो वहां रहने वाली आबादी है उसके साथ कैसे जुड़ती है, किस तरह से उनकी
सहायता को भी महत्व देती है। हम लोग जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं अक्सर वहाँ बॉर्डर विलेजेस होती हैं जिनमें लोग रहते हैं और हमारा डे वन से ही उनसे संपर्क और संबंध बन जाता है। पहले हम जाते हैं तो एक चौकी बनाते हैं, तो चौकी जब बनाते हैं तो उस टाइम तो ये जाहिर सी बात है सरकारी भूमि नहीं होती है, किसी की प्राइवेट भूमि में ही या प्राइवेट कोठी में ही या कोठरी में हम छोटी मोटी चौकी बना के शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे लैंड खरीदा जाता है। तो सामान वहां लाने से लेकर वहां ऑपरेट करने तक हमें लोगों के साथ की आवश्यकता होती है, बॉर्डर पॉपुलेशन के सहयोग की आवश्यकता होती है, उसको हम हमेशा हासिल करते हैं और उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हम रखते हैं और वो हमारे आईज एंड ईयर्स भी बनते हैं। तो क्या जागरूकता के स्तर पे कई बार चुनौती पेश आती है कि जिससे स्थानीय लोगों को समझाना कि सेना का आपको सहयोग करना है? जी, क्योंकि वो हमारे साथ हर रोज ही इंटरेक्ट करते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, कई लोग हमारे यहाँ काम भी करते हैं, हमारा जब राशन वगैरह आता है तो उसकी ढुलाई में कुली की भी आवश्यकता होती है तो वो उसमें भी लोगों को जॉब मिलता है कई बार। और जो फील्ड में काम होते हैं, पहले खुरा चेकिंग वगैरह हुआ करती थी या हमारे मुखबिर होते हैं, तो इस टाइप की अन्य बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो हमसे जुड़ते हैं। फिर क्योंकि गांव शहर से दूर होते हैं जो बॉर्डर के, तो वो हमारे जो डॉक्टर्स बीएसएफ के होते हैं तो वो लोकल लोगों का इलाज भी करते हैं, उनको दवाइयां भी देते हैं और माइनर सर्जरीज भी कई बार कर देते हैं, तो इससे वो हमसे जुड़े रहते हैं। हम उनके स्कूलों में भी जाते हैं, स्कूल में कई बार कुछ बेंचें या बुक्स वगैरह नहीं है तो कभी कभी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम, उसके जरिए हम उनको इन सब चीजों में भी मदद करते हैं, खेल का सामान देते हैं और इस टाइप के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम उनको साथ रखते हैं। अभी हमने एक गृह मंत्री जी की पहल पे बीएसएफ ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसको मधुमक्खी पालन बोलते हैं और वो बॉर्डर एरिया में हमारी यूनिटें भी करती हैं और हम लोकल लोगों को भी उसकी सिखलाई देते हैं। जो सीमा सुरक्षा बल के साथ सैनिक बल हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए प्रोत्साहन या उनके परिवारों के लिए कल्याण की योजनाएं या पहल कुछ विशेष बताना चाहेंगे इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल या गृह मंत्रालय की ओर से किया जाता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे सैनिक हैं वो सीमा पर रहते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि उनके परिवारों की देखभाल होना चाहिए, उनके बच्चों के परवरिश और वेलफेयर के कार्यक्रम होने चाहिए। तो हमारी हर बटालियन में एक स्कूल होता है, अंकुर स्कूल, जिसमें छोटे बच्चे पढ़ सकते हैं और कई जगहों पर हमारे बड़े स्कूल्स हैं जो 12वीं तक हैं जिनमें बच्चे अध्ययन करते हैं। हमारे बच्चों के साथ साथ लोकल सिविलियंस के बच्चे भी उसमें दाखिल होकर शिक्षा लेते हैं। एक हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज भी है टेकनपुर मध्य प्रदेश में। उसके अलावा हमारे यहाँ एक संस्था है जिसको बोलते हैं बीएसएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो वेलफेयर का काम है ज्यादातर जो गृहणियों को इन्वॉल्व करता है, वो एक संस्था है, उसकी अध्यक्षा डीजी की पत्नी अक्सर होती है हमेशा। इस तरह से वो संस्था जो है परिवार कल्याण का कार्य देखती है। हमारे यहाँ वेलफेयर के ग्रांट भी होते हैं और हम उनके पारिवारिक चीजों में कई बार घर बनाने में लोन मदद करना, अब तो खैर बैंक से भी काफी लोन मिल जाते हैं लेकिन उसके अलावा भी पर्सनल स्तर पर कई बार लोन की आवश्यकता होती है घर मरम्मत करने के लिए या कुछ खेती बाड़ी के लिए, तो हम लोग लोन भी देते हैं। हमारे फंड्स हैं जो हम खुद ही अपने कंट्रीब्यूट करके बनाते हैं, तो इस तरह से हम लोगों का वेलफेयर का चलता है। आखिर में जिस तरह से चुनौतियां हैं सीमा सुरक्षा को लेकर, चुनौतियां उभर भी रही हैं और चुनौतियां रहती भी हैं, इनसे निपटने के लिए जो पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण है वो किस तरह से देखा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भी हमारी जो अर्धसैनिक बल हैं या सैनिक बल हैं वो तत्पर रहें? हमारा एक ट्रेनिंग डायरेक्टरेट होता है हर बल के अंदर, तो वो ट्रेनिंग का हिसाब किताब देखते हैं हर जगह। एक तो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो कोई भी सिविलियन जब भर्ती होता है बीएसएफ में तो उसकी शुरू की ट्रेनिंग, जो सिपाही हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे ऑफिसर हो, तो शुरू की ट्रेनिंग के बाद फिर हमारे इन सर्विस कोर्सेज होते हैं। ये जो ट्रेनिंग का सिलेबस होता है टाइम टू टाइम इसको हम स्टडी करके बदलते रहते हैं जो जरूरत के हिसाब से, जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी काफी यूज होने लगी फोर्स में तो उसके टेक्नोलॉजी के बहुत सारे चीजें आ गई हैं, कुछ पुरानी चीजें जो अब नई इस्तेमाल में आती उनके पीरियड्स हमने कम कर दिए हैं। इस टाइप की चीजें हम लोग करते हैं ताकि हमारी ट्रेनिंग एकदम करंट रहे और जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहे। जी, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियोज में आए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे घुसपैठ तस्करी पर नियंत्रण और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।